नई तकनीक ने अपराध की घटनाओं को करना काफ़ी आसान कर दिया है, लेकिन अपराध को छिपाना बेहद मुश्किल कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज मैं उस माँ की बात करती हूं जिसका बेटा भले ही गैंगस्टर था, लेकिन माँ की एक अर्जी ने अधिकारियों की नींद हराम कर दी है। जी हाँ, ये गैंगस्टर अंकित गुर्जर और उसकी तिहाड़ जेल में हत्या की गई है, जैसा कि उसकी माँ की अर्जी कह रही है। और इसके बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक बड़ा वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जेल में बंद आरोपी सेवादार ने दावा किया है कि जब अंकित गुर्जर की पिटाई हो रही थी तब वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे ताकि कैमरे में सबूत के तौर पे कोई फुटेज ना आ जाए। विकास 2014 से तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल प्रशासन ने विकास को सेवादार बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सेवादार कोई अलग से वहाँ उसके अपॉइंटमेंट नहीं होती है, कैदियों में से ही कुछ को सेवादार बना दिया जाता है जो कैदियों को मैनेज करते हैं और जेल का भी वो सहयोग करते हैं। और बहुत सारे सेवादार ऐसे भी होते हैं जो जेल प्रशासन और कैदियों के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं ताकि अंदर की जो व्यवस्था है वो अधिकारियों को पता भी चलती रहे और वो सुचारू भी रहे। विकास का वीडियो ये दावा करता है कि वो 2014 से जेल में है और जेल नंबर 3 में बंद है और 3 अगस्त की शाम को लगभग 5 बजे जेल डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का फ़ोन आता है। पहले वो कहते हैं कि 15 अगस्त को लेकर के अलार्म चेक करना है। मैंने यानी कि विकास ने अलार्म बजाया। उसके बाद डिप्टी सुप्रिटेंडेंट नरेंद्र मीना 70-80 जवान अपने साथ लेकर के आए और फिर जेल में सर्चिंग करने लगे। फिर अंकित गुर्जर के रूम में भी गए, वहाँ उन्होंने अंकित के पास से मोबाइल फ़ोन और डाटा केबल बरामद किया। इसके बाद वो अपने साथ अंकित गुर्जर को अलग से बात करने के लिए ले गए। दोनों में थोड़ी देर तक बात होती है, नरेंद्र मीना और अंकित गुर्जर में। उसके बाद अंकित गुर्जर को जेल सुप्रिटेंडेंट ने थप्पड़ मार दिया और इसके बाद अंकित गुर्जर ने भी पलटवार करते हुए नरेंद्र मीना को थप्पड़ मार दिया। इसी के बाद से जेल सुप्रिटेंडेंट नरेंद्र मीना ने जेल के सीसीटीवी कैमरे बंद करवा दिए। इसके बाद फिर से 30-35 स्टाफ को वो लेकर के आए और आखिर में अंकित गुर्जर को वो रिमांड रूम में ले गए और वहाँ पे उसकी बहुत पिटाई की गई। तब तक उसको मारा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया और बेहोश होने के बाद जब हम जेल हॉस्पिटल उसको ले गए तो उसको DDU हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए कहा गया। नॉर्मली जो तिहाड़ जेल के बीमार लोग होते हैं उनको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, लेकिन उसे हॉस्पिटल रेफ़र नहीं किया गया, उसे जेल में ही रखा गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। कैदी के इस दावे के बाद अब ये कहा जा रहा है कि मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस जल्द ही उसका भी बयान दर्ज करेगी। इस मामले में दिल्ली के हरिनगर थाने में डिप्टी जेलर नरेंद्र मीना के खिलाफ अंकित गुर्जर की हत्या के आरोप में रिपोर्ट भी दर्ज है और पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए डिप्टी जेलर समेत 4 अधिकारियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंकित गुर्जर 2015 में एक बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2019 में वो जमानत पर छूट गया था। इसके बाद अंकित गुर्जर ने दिल्ली में अपना बेस बना लिया और अपराध की घटनाओं को वो अंजाम देने लगा। वेस्ट यूपी का बागपत का रहने वाला है अंकित और दिल्ली में एक और गैंगस्टर रोहित चौधरी के साथ मिल करके वो वारदातों को अंजाम दे रहा था। वो लोग रह रहे थे राजस्थान के निवराना में, लेकिन जो उनका जगह थी जहाँ उन्हें अपराध करने होती वो उन्होंने दिल्ली चुना हुआ था। ख़ासतौर पर वो दक्षिण दिल्ली में काफ़ी वारदातें कर रहे थे और उसने कई सारे अपराधियों को
अपने गिरोह में ज्वाइन किया। इस गिरोह के सदस्य राजस्थान के नीमराना में रोहित चौधरी और अंकित चौधरी के साथ रह रहे थे। और एक और ख़ास बात यह है जो अब गले की हड्डी बन रही है, इससे पहले भी तिहाड़ जेल में कई कैदी मृत पाए गए हैं और तिहाड़ जेल में अंकित की मौत की जांच इसलिए काफ़ी अहम हो गई है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 मई को तिहाड़ जेल में श्रीकांत रामस्वामी नाम के एक कैदी की हत्या के मामले में सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे। श्रीकांत रामस्वामी 14 मई 2002 को तिहाड़ जेल की 2 नंबर वार्ड में मृत पाया गया था। तो दोस्तों, माँ ने अपने बेटे के लिए फरियाद की, एक एप्लीकेशन लगाई कि उसके बेटे की हत्या की गई है, उसकी मौत नहीं हुई है। और अब देखना यह है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या क्या आगे और कदम उठाए जाते हैं। आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।